मार्केट में एक बहुत बढ़िया थीम चलती है सर्किट स्टॉक्स की, कि लोगों को ना बड़ा मजा आता है यार, हमारे पास अपर सर्किट वाला स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो में रोज 5-5% की ग्रोथ हो रही है। लेकिन वो स्टोरी तब टर्न होती है जब स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो जाता है और अपर सर्किट के जो स्टॉक्स हैं वो डाउन सर्किट के अंदर भी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर इनमें सर्किट लिमिट लगी होती है। इसी का एक एग्जाम्पल बताता हूँ लाइव केस के अंदर, जहां पे कंपनी का नाम है इरिडा। कंपनी का आईपीओ जब से आया है हाईएस्ट स्टॉक आपका स्टॉक बन चुका है ट्विटर सोशल मीडिया पे, और स्टॉक ना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज की डेट में 200 रुपए से ऊपर का स्टॉक जा चुका था अपने आईपीओ प्राइस से 300-400% की रिटर्न देके छोटे से टाइम पीरियड में। जब ऐसे छोटे से टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक एक इतनी बड़ी अपसाइड दे दे तो लोगों को ना उसके अंदर एक यूफोरिया क्रिएट हो जाता है कि यार हमने तो एक ऐसा हिडन जेम पकड़ लिया जिससे हमारी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन होगी। कंपनी आज की डेट में अपने 200 रुपए के टॉप से 150 के लेवल्स पे आ चुकी है और ये सर्किट टूटने का नाम नहीं ले रहा डाउन सर्किट। यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि आप एक लेवल पे आके फंस जाते हैं एक ट्रैप के अंदर, क्योंकि अगर आपका शेयर सेल नहीं हो रहा सुबह मार्केट के अंदर तो आपकी जो क्वांटिटी है उस पे हर रोज प्राइसिंग लग के डाउन सर्किट का प्राइस लग रहा है। यहाँ पे सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी कि आईपीओ में आए हुए स्टॉक्स एक लेवल के बाद ठंडे होते हैं, लेकिन जब वो ठंडा होना शुरू होते हैं तो उसके अंदर प्राइस करेक्शन आना बहुत जरूरी है। आप ये सोचिए कि कंपनी की लोन बुक इस टाइम 50,000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, जहां पे आपका 33% की ग्रोथ आई है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर मोर देन 40-45% की ग्रोथ आई है, जहां पे कंपनी अपना रिन्यूएबल एनर्जी लोन बिजनेस के अंदर है, वहां पे एक ऐसा हॉट थीम हो के भी अगर स्टॉक हमारा 200 से 150 पे आया है, ये गलती कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के फंडामेंटल्स में नहीं है, ये गलती हम रिटेल इन्वेस्टर्स की है जहां पे हमने कंपनी के साथ अपनी खुद की एस्पिरेशंस लगा दी, जो कि सबसे गलत बात होती है। यहां पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक स्टॉक को आपने 300-400% अगर बढ़ा दिया है तो वहां पे जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होएगी तो वहां पे तो किसी भी लेवल पे अगर पुराना कोई इन्वेस्टर घुसा हुआ है वो तो प्रॉफिट में ही बैठा हुआ है। लेकिन इसकी राइड के अंदर अगर आप एक गलत लेवल पे बैठे हैं, सपोज कह सकते हैं कि 200-180 के लेवल पे आपने एंट्री ली है, तो आपकी तो प्राइस करेक्शन होने से आप लॉस में आ चुके हैं। ये प्रॉब्लम हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में होती है कि यार अब ये 200 की चीज 500 का टारगेट आ रहा है, फलाना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बोला है, ये अब रुकेगा नहीं। यहीं पे सारे के सारे फंडामेंटल्स ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक स्टॉक को आप इतने बड़े लेवल पे ले जाएंगे उसकी प्रॉफिट बुकिंग जब शुरू होगी तो आप एक वैल्यू ट्रैप पे फंस जाओगे। यहाँ पे एक ऐसा ट्रैप क्रिएट हो जाता है कि जब तक उसका एक कंसिडरेबल बायर नहीं आएगा उस प्राइस पे, आपका शेयर प्राइस हमेशा डिक्लाइन की तरफ रहेगा, क्योंकि सेल ऑन क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, बाय ऑन क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लोअर सर्किट कंपनी पे लगना शुरू हो चुका है। कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के ग्रोथ एस्पेक्ट्स, कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन जो सोलर रूफटॉप के अंदर उन्होंने मारा है, वहां पे किसी भी चीज का रेड फ्लैग नहीं है, और कंपनी फिलहाल इतनी तेजी से अगर ग्रो हो रही है फंडामेंटली, जो कि आज आपके फाइनेंशियल्स में भी दिखाई दे रहा है, जो कि लेटेस्ट फाइनेंशियल्स आए हैं, वहां पे आपको फोकस करना है कोई भी कंपनी को पढ़ते हुए। क्योंकि लोगों का माइंडसेट जब एस्पिरेशंस में चले जाता है कि हमारी वेल्थ क्रिएशन शुरू हो रही है, वहीं पे मार्केट आपको एक चेतावनी देती है, मत करो ऐसे काम। ये काम करने के लिए शेयर बाजार नहीं खोला कि आप सोचिए 300-400% की रिटर्न आ रही है 6 महीने में, आगे भी आती रहेगी। ये एक ऐसा कूलिंग पीरियड शुरू हो चुका है स्टॉक का कि जहां पे अब एक्चुअल बायर इस कंपनी के साथ जो जुड़ेंगे अगले कुछ साल के टाइम पीरियड के साथ, वो एक अच्छी एंट्री का टर्निंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं। जब वो हिट होगा तो कंपनी का वो बेंचमार्क प्राइस हो जाएगा
इस टाइम पीरियड के लिए आपको इस स्टॉक को देखना पड़ेगा। ये इतना हाईएस्ट प्रमोटेड स्टॉक था सोशल मीडिया, टीवी और आपने टेलीग्राम चैनल्स के अंदर देखा था कि लोगों ने इसमें कूद मार के, छलांग मार के अपनी एनालिसिस करनी शुरू कर दी कि ये एक वैल्यू क्रिएशन हो रही है। यहाँ ऐसी सिचुएशन से बचिए और ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा संभल कर काम करें कि फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन क्या हम प्राइस इस कंपनी को ठीक दे रहे हैं। थैंक यू।